भी इस बिल के आने के बाद वक्त बिल को पढ़ रहे हैं और वक्त एक्ट को समझ रहे हैं और वक्त क्या है उसको जान रहे हैं। और इमारत शरिया एक बड़ा रोल अदा कर रहा है जो आम लोगों में एक अवेयरनेस जो बहुत दिनों से लोगों में नहीं थी वो और ताजा किया गया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस एक्ट को इतनी बारीकी से लाया गया है, अगर जो लोग लॉ से रिलेटेड रखते हैं, जो लोग कानून के जानकार हैं, जो लोग इस चीज को पढ़ेंगे और पुराने एक्ट के हवाले से इस पर तबसरा करेंगे तो पता चलेगा बड़ी बारीकी से हमें कब किया जा रहा है। और ये बारीकी समझने के लिए बहुत वक्त देना पड़ेगा। पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से एक महीना का सिलसिला चल रहा है, हमने इस एक्ट पर इतनी मेहनत की है और इसको इतनी समझने की कोशिश की है, तो ऐसा लगता है कि रोज नया नया एक चीज आ रहा है जो हमारे लिए बर्बादी का रास्ता दिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज है, अगर एक एक सेक्शन को अगर यहाँ बयान करूँ तो कम से कम 5 घंटे लगेंगे। हमारे ऑनरेबल जस्टिस सईदुल्ला मुंशी साहब जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड बंगाल के हैं यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इस पर इतना बेहतरीन एक रिपोर्ट बनाया। जब हमारी सरकार के पास वो रिपोर्ट गई तो हमारे मुख्यमंत्री ने उसे कहा कि इतना अच्छा रिपोर्ट बनाया इसे इमीडिएटली जेपीसी के पास भेजो, और हमने उस रिपोर्ट को जेपीसी के पास भेजा है, विद इन द टाइम भेजा है। सिर्फ जेपीसी को नहीं भेजा है, हमने माइनॉरिटी अफेयर्स को भी दिया है, सीडब्ल्यूसी को भी दिया है। तो हमने कहा है कि हमारे इस रिपोर्ट को जेपीसी के पास पेश किया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि जेपीसी हमारे तमाम वर्कफोर्स के साथ मुलाकात करे, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस्लाम के यहाँ मानने वाले हैं, जो खैरखा है कौन के, वो लोग जा रहे हैं और जेपीसी से मिल रहे हैं। लेकिन हमें शक है कि जेपीसी हो सकता है हिंदुस्तान में जितनी वर्क बोर्ड है वो किसी को ही ना बुलाए। जब ये बिल आया इसमें रेफरेंस कुछ दिया हो गया है, मैं बताना चाहूँगा बीएससीओ इस रेफरेंस अगर हमारे बिहार के सीओ यहाँ मौजूद होंगे तो हो सकता है वो बता पाएंगे। 13/7/23 को एक मीटिंग का हवाला दिया गया है, 24/7/23 से हवाला दिया गया है, 20/7/23 से हवाला दिया गया है और 7/11/2023 को यह हवाला दिया गया है। और ये कहा गया है कि तमाम हिंदुस्तान के वर्क बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ से इस बिल पर तबसरा किया गया है, उनकी राय ली गई है और उसके बाद इस बिल को लाया गया है। मैं कहूंगा आप सबसे कि इस डेट की मैंने जो डेट बताई है आरटीआई की जाए, सीडब्ल्यूसी और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से माना जाए कि उस मीटिंग में कौन कौन सीईओ मौजूद थे और उस मीटिंग में क्या क्या रेजोल्यूशन हुआ था और उसमें किन किन चीज़ों पर तबसरा किया गया था। मैं इसमें कई मीटिंग में मैं हाजिर था, इस बिल के बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं की गई। ये हम सबको धोखा दिया जा रहा है। मैं बीएससीओ सारे के साथ कहता हूँ, मैं जिस मीटिंग में किया था अलग अलग मौजू पर मीटिंग हुई थी, कभी भी तबसरा नहीं किया गया कि वक्त बिल या वक्त अमेंडमेंट बिल आपके सामने लाया जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता तो जो 95 का एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी हम उसको हाईलाइट करते, जो दो चार तरमीमी जरूरत थी उसे हम हाईलाइट करते और कहते कि हाँ इसमें ये तब्दीली कर दीजिए जो और बेटर होगा वक्त को बचाने के लिए। आज के इस डेट में सबसे बड़ी जो इस एक्ट में इस बिल में जो दिक्कत हो रही है इसका नाम ही बदल दिया जा रहा है। 1913 में आप अगर वक्त अमेंडमेंट बिल देखें एक्ट देखेंगे उसमें वक्त की स्पेलिंग थी WAQF 95 के एक्ट में, उसको 1913 में उसकी स्पेलिंग को बदल करके WAQF किया गया। जो उर्दू के जानकार है और काफ होता है बड़ी काफ से हम लोग सीखते हैं वक्त वाव वाव काफ और के होता है, इसको 13 में तरमीम किया गया। इसका मतलब था कि उस धर्मी गवर्नमेंट की विजन थी कि जो स्पेलिंग गलत लिखा गया है उसे दुरुस्त किया गया। आप 2095 के एक्ट को देखेंगे 13 में जो तरमीम किया गया था, इस बार वक्त वर्ड को ही हटा दिया गया और उसका नाम रख दिया गया है क्या यूनिफाइड समथिंग, इस तरह से यूनिफाइड वक्त मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद हो रहा है। भाई उम्मीद तो खत्म हो जाएगी। मैं इस एक्ट पर बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहूंगा, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग उलमाए कराम हैं, जो लोग यहाँ और भी हमारे दानिश्वर लोग हैं, इस बिल को अच्छे तरीके से पढ़ें समझें। हम इस मजलिस में हमारे इमारत शरिया के लोग कलकत्ता गए थे, वहाँ पर काफ़ी चर्चा की लोगों ने और इसका यही नतीजा है कि हम लोगों ने 6 करोड़ से ज़्यादा एक रिजेक्शन कर एक हम लोगों ने मेल भेजा है पूरे हिंदुस्तान से। सवाल ये है कि हम भेज रहे हैं बहुत कम लोग समझ रहे हैं।
हमें ये समझना होगा कि इसके बाद क्या करना है। वक्त बिल को हम रद्द करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये बिल अगर आ गया तो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने जो कौम के मिल्लत के लिए जो चीज़ें दी थी वो खत्म हो जाएगी। हमारी नाकामियां रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि वक्त बोर्ड पूरे हिंदुस्तान बहुत अच्छा काम करती है। हमने क्या किया, हमारे प्रीवियस चेयरमैन बोर्ड सीईओ ने क्या किया, ये तनकीद का मौका नहीं है। खामियां रही हैं, हर घर में खामियां रही हैं, खामियां हमने सुधारी नहीं, उसका नतीजा यही है। हमारे शफीक साहब कह रहे थे हिंदुस्तान में कितनी मसाजिदें हैं, कब्रस्तान है जिसका वक्त बोर्ड में गवर्नमेंट नहीं है। ये मैं तमाम हिंदुस्तान के चेयरमैन बोर्ड और सीईओ को ये रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच से कि भाई जो बाकी है आप उसे इनरोल करवा लो। हमने ये मिशन शुरू किया है, हमने अपने वक्त बोर्ड में ये मिशन शुरू किया है और जितने भी मसाजिद हैं उनको जो इनरोल नहीं है वक्त बोर्ड में इनरोल करवा रहे हैं। वो ज़माना दूर नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो गया तो हमारी कितनी मस्जिदें शहीद होंगी, कितनी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा और उन मस्जिदों को तोड़ने के बहाने से राइट होंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, कत्लगारी होगी और रहजनी बहुत कुछ होगा जो हमारे आंखों के सामने झलक रहा है। यही एक वक्त है कि इस बिल को हम सरे से खारिज करें और अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस चीज़ को इसको रिकमेंड करती है तो हमें ये भी सोच कर रखना होगा कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कानूनी रास्ते से हमें ये लड़ाई लड़नी है, वक्त पड़ेगा तो जैसे हम लोगों ने NRC और CA में किया था वो भी किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यही है कि इस एक्ट को हम किस तरीके से पार्लियामेंट में पास